ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर के, तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? देखिए, एक महती योजना जो कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें जो वरिष्ठ जन है प्रदेश के, उनको निःशुल्क सरकार की ओर से तीर्थ करवाए जाते हैं। पैदल ले जाना हो, रामेश्वर धाम की तरफ उनको यात्रा करवाई जानी हो, तो धाम पर अलग अलग जगहों पर सरकार की ओर से इस योजना के तहत निःशुल्क उनको ले जाया जाता है। हम देखते हैं ट्रेन के माध्यम से कुछ जो है उनको बाई एयर इस चीज की यात्रा जो योजना है उसका लाभ यहाँ पर दिया जाता है। आज पहली ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना होगी, जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जोराराम कुमार जो कि देवस्थान विभाग के मंत्री हैं, वो उस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम जो वरिष्ठ जन है उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक फॉर्मल संवाद भी करेंगे कि तीर्थ यात्रा योजना जो है वो किस तरह से सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और उसका लाभ है वो आम यात्री जो वरिष्ठ जन यात्री है वो वहां पर ले सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि एक महती योजना सरकार की यहाँ पर है, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचेंगे शाम 4 बजे का कार्यक्रम। तमाम पिछले कई लाभ वरिष्ठ जन उठा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब सरकार ने दायरा बढ़ाने का तो उस मुकाबले अधिक जो वरिष्ठ जन है उनको इस योजना का यहाँ पर लाभ भी मिल सकेगा। फिलहाल आज का कार्यक्रम मेरा रखा गया जिसमें दुर्गापुर स्टेशन शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पहली ट्रेन है इसे रवाना करेंगे। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।